एक इंतहाई अहम और हाई प्रोफाइल मर्डर है, उसके मुतालिक आपको ब्रीफ करना था। मोरखा 19/10/2022। एक हमारे कबल बार के वकील साहब थे, मोहम्मद सलीम एडवोकेट। मोहम्मद सलीम एडवोकेट को कबल रोड पे टारगेट किया गया, उनको हिट किया गया, वो वफात पा गए, शहीद हो गए। और ये आपके नोटिस में होगा, आपके मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था और पुलिस ने इसमें फौरी तौर पे कार्रवाई की। जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो हमने फॉलो की और इस केस में 7 मुलजिमान, टोटल 7 मुलजिमान जो हैं वो नॉमिनेट हुए। तो ये मुलजिमान की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हसनैन वल्दे इब्राहिम, इमरान अली वल्दे उस्मान अली, डॉक्टर दाऊद वज़ीरज़ादा रहमानी गुल और उस्मान अली और इब्राहिम, 7 बंदे इसमें नॉमिनेट हुए। इसमें जो 2 बंदे थे वो मोटरसाइकिल पे आए हैं। वकील साहब मोहम्मद सलीम साहब जब अपनी कोर्ट ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे थे। इसी दौरान हसनैन वल्दे इब्राहिम और इमरान अली वल्दे उस्मान अली, इन्होंने इनको टारगेट किया, इनको शूट किया, हिट किया, वो शहीद हो गए, वफात पा गए। और इसके अलावा जो बाकी 5 बंदे थे वो चार्ज हुए प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में, फैसिलिटेशन में, ये उसमें चार्ज हुए। इसमें जो मेन 2 एक्यूज थे जिन्होंने फायर किया था और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, ये हसनैन वल्दे इब्राहिम और इमरान अली वल्दे उस्मान अली, ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस, जिस पिस्टल से इन्होंने फायर किया था, वो पिस्टल भी इनसे रिकवर हो गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मोटरसाइकिल ये यूज़ कर रहे थे, मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गया है। इसके अलावा जो प्लानिंग में हमारे पास 5 बंदे थे, उन 5 बंदों में से 3 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं और 2 बंदों की जो गिरफ्तारी है उसके लिए हमारी एफ़र्ट्स और वो चीज़ें चल रही हैं।